असल में अभी वो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा, इसमें किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं। सब जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी। ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर, और लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे। बैठक कल होनी है और ऐसे में देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी अब पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इसी बीच जब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उनसे सवाल किया गया कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम मंत्री, सबसे पहले आप वो सुने। बिल्कुल जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी, इसीलिए सब लोग ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर, और लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे, और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। लेकिन अश्विनी चौबे ने कहा है कि बीजेपी अपने दम पर विधानसभा आगामी चुनाव लड़े और सीएम के चले चुनाव का केंद्र। असल में अभी वो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा, इसमें किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं। सम्राट चौधरी कहे कि तो आपने सुना उनका कहना है कि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब कल की बैठक में क्या कुछ फैसला लेंगे वो तो आने वाला वक्त में पता चलेगा, और तमाम मंत्री कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार अगर बैठक करने जा रहे हैं तो वो तो फैसला लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ 24 के बाद जो बैठक होगी उसमें जो नतीजे रहे उसको लेकर के भी चर्चाएं होनी है, तो ऐसे में क्या कुछ बातें होगी उसके बाद जब बैठक के बाद जब निकल करके हम लोग आएंगे तभी बता पाएंगे। ऐसे में क्या होने वाला है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ा फैसला ज़रूर ले सकते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं, उसके बाद तमाम मंत्री जब बैठक के बाद बाहर निकलेंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।